नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज आपनो सेकंड लेक्चर छे। फर्स्ट लेक्चर में आपणे कॉस्ट एकाउंटिंग वन में यूनिट वन विषे माहिती मेळवी हती। तो विद्यार्थी मित्रों, यूनिट वन पड़तरना हिस्साबों में आपणे फर्स्ट लेक्चर में पड़तर हिसाबी पद्धतिनो अर्थ, व्याख्या अने तेना लक्षणों विषे माहिती मेळवी हती। तो हवे सेकंड लेक्चर में आपणे पड़तर हिसाबी पद्धतिना हेतुओ विषे माहिती मेळवीशुं। एनो पहेलो हेतु पड़तर तेमज वेचाण किंमत नक्की करवा माटे। तो पड़तर तेमज वेचाण किंमत नक्की करवा माटे पड़तर हिसाबी पद्धतिनो मुख्य हेतु वस्तु के सेवानी चोकसाईथी साची पड़तर नक्की करवानो छे। पड़तर हिसाबी पद्धतिनो पड़तर अंगेनी विविध माहिती जणावे छे, जेना आधारे कुल पड़तर नक्की करी शकाय। योग्य नफो उमेरीने वस्तु के सेवानी वेचाण किंमत नक्की करी शकाय। जो के पड़तर उपरांत हरीफनी वेचाण किंमत पण बजार भाव नक्की करवा महत्वनी छे। सामान्य रीते वेचाण किंमत पड़तर थी ओछी न ज राखी शकाय। बीजो हेतु छे पड़तरना मूळ तत्वो अनुसार। तो पड़तरना मूळ तत्वो अनुसार, पड़तरना स्वभाव अनुसार, उत्पादन वहीवट वेचाण कार्य अनुसार कुल पड़तरनो व्यवस्थित वर्गीकरण करवानो पड़तर हिसाबी पद्धतिनो हेतु छे। पड़तरनो आवू वर्गीकरण सीमांत पड़तर, प्रमाण पड़तर, अंदाजपत्रीय पड़तर, ऐतिहासिक पड़तर नक्की करवामां उपयोगी निवड़े छे। जे बाबत नीति विषयक निर्णयों लेवामां उपयोगी बने छे। हवे तीजो हेतु पड़तर अंगेनी चोकसाई सभर माहिती। तो पड़तर अंगेनी चोकसाई सभर माहिती एवी रीते रजू करवामां आवे के जेना आधारे वर्तमान वेचाण ऑर्डर भविष्यमां पूरो पाडवामां आवनार तैयार मालनी कुल पड़तर केटली हशे ते नक्की करी शकाय छे। हवे चोथो वैज्ञानिक धोरणो नक्की करवामां उपयोगी। तो के वैज्ञानिक धोरणो नक्की करवा माटे तो के उत्पादन शुरू थता पहेला वैज्ञानिक धोरणो नक्की करवामां आवे। तो नक्की करवामां आवेल प्रामाणिक पड़तर साथे खरेखर थयेल पड़तरनी तुलना करी पड़तरनुं एक तुलनात्मक पोथुकरण रजू करवानो पड़तर हिसाबी पद्धतिनो हेतु छे, जेनाथी उत्पादन प्रवृत्तिनी असरकारकतानो कार्यक्षमतानो स्पष्ट ख्याल मळी रहे छे। एना पछीनो हेतु बगाड अटकाववामां उपयोगी। तो कि पड़तर हिसाबी पद्धतिनो एक हेतु उत्पादनना जुदा जुदा तबक्काए उद्भवता सामान्य बगाड, असामान्य बगाड, घट भंगारनी माहिती मेळववानो अने तेना कारणो जाणवानो छे, जेनाथी निवारी शकाय तेवा बगाड घट दूर करी कुल पड़तरमां घटाडो थई शके। एना पछीनो हेतु संचालकोने माहिती। तो वस्तु के सेवाना उत्पादनना कोईपण तबक्काओ, कोईपण समय, कोईपण उत्पादन विभाग अंगे जे पण पड़तर विषयक माहिती संचालनने मेळववी होय ते माहिती संचालनने पूरी पाडवानो पड़तर हिसाबी पद्धतिनो हेतु छे। एना पछीनो हेतु पड़तर घटाडवा अने अंकुशमां राखवा। तो पड़तर घटाडवा अने पड़तरने अंकुशमां राखवा माटे उत्पादननो बगाड ओछो करवो, करकसरवाळा मशीन अने मजूरीनो उपयोग करवो, समन्वय करवो, खर्चाओनुं नियंत्रण करवुं, कार्यपद्धतिमां सहकार आपवो। एना पछीनो हेतु सुव्यवस्थित, असरकारक अने कार्यक्षम। तो सुव्यवस्थित, असरकारक, कार्यक्षम पड़तर हिसाबी पद्धति पोते ज पड़तर ऑडिटरनी कामगीरी ने सरल, झड़पी अने चोक्कस अने असरकारक बनावे छे। तो विद्यार्थियों, आ हता पड़तर हिसाबी पद्धतिना हेतु। हवे आपणे नाणाकीय हिसाबो अने पड़तरना हिसाबोनी तुलना विषे चर्चा करीए। पहेलुं वस्तुवार आवक के खर्चनी नोंध।
नाणाकीय हिसाबों अमुक चोक्कस मुद्दत माटे समग्र धंधानो नफो के नुकसान बतावे छे, परंतु अमुक चोक्कस वस्तु विभाग के प्रवृत्तिनो नफो के खोट अलग जाणी सकता नथी। ज्यारे पड़तरना हिसाबों दरेक वस्तु प्रवृत्ति खाता के प्रक्रिया विशेना खर्च अने आवकनी विगतवार नोंध राखे छे, एटले के क्या खोट जाय छे अने कई प्रवृत्ति के खातू नफाकारक के बिन नफाकारक छे ते पड़तरना हिसाबों परथी जाणी शकाय छे। दाखला तरीके एक धंधाकीय एकम में त्रण वस्तुनो वेचाण थाय छे, जेमांथी कुल नफो 2 लाख छे। नाणाकीय हिसाबों आ माहिती आपे छे, परंतु पड़तरना हिसाबों दरेक वस्तुमांथी थतो अलग नफो के खोट दर्शावशे। अ वस्तुना वेचाण पर नफो रूपया 3 लाख, ब वस्तुना वेचाण पर खोट रूपया 2 लाख अने क वस्तुना वेचाण पर नफो 1 लाख। तो के एकंदरे कुल नफो केटलो थयो? 2 लाख। नाणाकीय हिसाबों रूपया 2 लाखनो नफो दर्शावे छे, परंतु पड़तरना हिसाबों परथी मालूम पड़े के वस्तु बना वेचाण पर 2 लाखनी खोट जाय छे, एटले के संचालकोए बाबतनी तपास करवी जोईए के बना वेचाण पर खोट सा कारणे जाए छे, ते खोट दूर करवा कया पगला लेवा जोईए, अथवा तेनुं उत्पादन बंद करी देवुं जोईए। आम पड़तरना हिसाबों धंधाने वधु नफाकारक बनावामां सहायरूप थाय छे। बीजुं, नफो खोटना कारणो। तो धंधामां नफो के खोटना चोक्कस कारणो नाणाकीय हिसाबों परथी मळी शकता नथी। नफामां वधघट थवाना कारणो पण जाणी शकाता नथी। आ माटे जरूरी પૃથ્થકરણ પડતરના હિસાબો જ પૂરું પાડે છે। માટે આ માહિતી ખોટ દૂર કરવા અને ધંધાને નફાકારક બનાવવાના પગલાં લેવામાં ઉપયોગી નીવડે છે। ત્રીજું, વેચાણ કિંમત નક્કી કરવા માટે નાણાકીય હિસાબો કોઈપણ વસ્તુની વેચાણ કિંમત નક્કી કરવામાં ઉપયોગી નથી, કારણ કે તે ધંધાનો કુલ ખર્ચ અને આવક દર્શાવે છે। કોઈક વસ્તુ પરના ખર્ચ કે આવકનું પૃથ્થકરણ તેમાં હોતું નથી, માટે આ પડતર હિસાબો જ ઉપયોગી છે। એના પછી વ્યવહારોની નોંધ। ધંધાકીય એકમના બાહ્ય પક્ષકારો જેવા કે દેવાદારો, લેણદારો, બેંક વગેરે સાથે થયેલ દરેક વ્યવહારને નાણાકીય હિસાબોમાં નોંધ કરવામાં આવે છે। પડતરના હિસાબોમાં આવા બાહ્ય વ્યવહારો ઉપરાંત આંતરિક વ્યવહારો જેવા કે સ્ટોર વિભાગે ઉત્પાદન વિભાગને પૂરો પાડેલ માલસામાન, જુદા જુદા ઉત્પાદન વિભાગો વચ્ચે માલસામાનની ફેરબદલી વગેરે વ્યવહારોની પણ નોંધ કરવામાં આવે છે। એના પછી નફો નુકસાન નક્કી કરવું। નાણાકીય હિસાબોમાં સમગ્ર ધંધાકીય એકમના નફા નુકસાનને નક્કી કરવામાં આવે છે। જ્યારે પડતરના હિસાબોમાં ધંધાકીય એકમના જુદા જુદા વિભાગ દીઠ, વસ્તુ દીઠ, સેવા દીઠ, કુલ નફો અને એકમ દીઠ નફો નક્કી કરવામાં આવે છે। નફો નુકસાન નક્કી કરવામાં આખા સ્ટોકના મૂલ્યાંકનની બંને હિસાબોમાં અલગ અલગ પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે। કેટલાક ખર્ચાઓ અને આવકોની એક હિસાબોમાં નોંધ થાય તો બીજા હિસાબમાં નોંધ થતી નથી। એના પછી હિસાબી સમયગાળો। તો સામાન્ય રીતે હિસાબી વર્ષના અંતે નાણાકીય હિસાબો તૈયાર કરવામાં આવે છે અને પ્રગટ કરવામાં આવે છે। જ્યારે પડતરના હિસાબો સંચાલનની જરૂરિયાત અનુસાર ગમે તે સમયે ગમે તેટલા હિસાબી સમયગાળા પૂરતા તૈયાર કરવામાં આવે છે અને સંચાલકો સમક્ષ રજૂ કરવામાં આવે છે। એના પછી નાણાકીય એકમ તેમજ અન્ય એકમો। નાણાકીય હિસાબોમાં બધા જ વ્યવહારોની ચલણી નાણામાં, ચલણી નાણું તો તમે જાણો જ છો રૂપિયો, તો કે ચલણી નાણામાં રજૂઆત થાય છે। જ્યારે પડતરના હિસાબોમાં ચલણી નાણાં ઉપરાંત અન્ય એકમો દાખલા તરીકે કામદાર કલાકો, યંત્રના કલાકોમાં પણ વ્યવહારોની રજૂઆત થાય છે।
खर्च प्रस्तुततानी चकासणी। नाणाकीय हिसाबमां खर्च योग्य छे के प्रस्तुत छे के व्याजबी छे तेनी चकासणी के पृथ्थकरण के विश्लेषण करवामां आवतुं नथी। पड़तरना हिसाबमां माल सामान, मजूरी, परोक्ष के सिरोपरी खर्चानी प्रस्तुतता एटले के व्याजबीपणानुं विश्लेषण करवामां आवे छे। निर्णय करवा माटे उपयोगी तो के यांत्रिकरण करवाथी केवी असर उद्भवशे, वेचाण वधवाथी छता नफो शा माटे घट्यो, वेतन वधारवाथी शुं परिणाम आवे वगैरे अंगे पड़तरना हिसाबो संतोषकारक छे के ज्यारे नाणाकीय हिसाबोमां आवी विचारणा थती नथी। एना पछी बैंको वगैरेमां उपयोगी, ज्यां उत्पादन थतुं होय त्यां ज पड़तरना हिसाबो उपयोगी छे एवुं मानवुं खोटुं छे। कोई प्रवृत्तिमां नाणानो खर्च थतो होय एवी दरेक प्रवृत्તિ માટે पड़तरना हिसाबो उपयोगी छे। दाखला तरीके बैंको, वीमा कंपनीओ वगैरेमां पड़तरना हिसाबो बिनजरूरी खर्चने बगाड दूर करवा अने प्रवृत्તિઓ नफाकारक बनावामां उपयोगी छे। ज्यारे नाणाकीय हिसाबो प्रवृत्તિઓ नफाकारक बनावानी भूमिका भजवता नथी। अने लास्टमां मंदीमां उपयोगी, मंदीना समयमां भाव घटाडो कई मर्यादा सुधी शक्य छे तेनो कोई निर्देश नाणाकीय हिसाबोमां मळतो नथी। सीमांत पड़तर आ अंगे सचोट जवाब आपी शके। तो विद्यार्थियों आपणे 11 तुलना जोई। आ 11 तुलना सिवाय एक तुलना तो के नाणाकीय हिसाबोमां व्यवहारोना प्रकार अनुसार खर्चनुं वर्गीकरण करवामां आवे। ज्यारे पड़तरना हिसाबोमां प्रवृत्તિઓ एटले के उत्पादन, वहीवट, वेचाण वगैरे कार्यो, प्रक्रियाओ, वस्तुओ वगैरे अनुसार पण खर्चनुं वर्गीकरण थाय छे। तो विद्यार्थियों आ हती नाणाकीय हिसाबो अने पड़तरना हिसाबोनी तुलना। तो आजे आपणे पड़तर हिसाबी पद्धतिना हेतुओ अने नाणाकीय हिसाबो अने पड़तरना हिसाबोनी तुलना जोई। तो विद्यार्थियों आजनो आ लेक्चर हुं अहीं समाप्त करूं छुं। आना पछीनो टॉपिक नेक्स्ट लेक्चरमां कंटिन्यू करीश। आभार। स्टे होम, स्टे सेफ।